दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एप्पल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नया वर्जन 12.1 रिलीज कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस वर्जन में क्या नए फीचर्स एप्पल ने ऐड किए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 3 फीचर्स जो एप्पल ने अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन में ऐड किए हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहला और इंटरेस्टिंग फीचर जो इस नए वर्जन में है वो ये है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम जब फोटोग्राफ लेते हैं तो ड्यू टू सम लाइटिंग प्रॉब्लम आँखें जो है वो रेडिश हो जाती हैं, तो इस नए वर्जन में जो है आप उस रेड आई को रिमूव कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? कैमरा हमने ओपन कर लिया, यहाँ से हमने जो जिस इस फोटोग्राफ को मैं ले लेता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो आईज है वो रेड है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर रेड आई का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको हमने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर बोल रहा है टैप ईच रेड आई, जहाँ जहाँ पर भी रेड आई नज़र आ रही है उसको हमें टैप करना है। अब जैसे हमें रेड आई ये है, इस पर हम क्लिक करते हैं, ये आप देखिए ये जो रेड आई थी वो अब ब्लैक हो गई है। तो ये रेड आई करेक्शन का जो काम है वो करता है, पहला फीचर जो इसमें इंक्लूड किया है एप्पल ने। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर एप्पल ने ऐड किया है वो ये है कि जैसे अगर आप कुछ टेक्स्ट करते टाइम पर कुछ लिखते हैं और लिख करके आप काफ़ी नीचे आ जाते हैं और आपको ऊपर जाना है, तो आपको क्या करना होता था कि यहाँ पर कहीं क्लिक करना होता था, बट वो आप जिस जगह पर जाना चाहते हैं वहाँ पर सही तरीके से नहीं पहुँच पाते थे, फिर आपको ये क्लिक करके इस तरीके से जाना पड़ता था। अब एप्पल ने क्या किया है कि स्पेस बार को आपको थोड़ी देर के लिए प्रेस करे रहना है, और ये आपका जो है स्पेस बार एक तरीके से टच पैड बन जाएगा। आप देख सकते हैं एक कर्सर जो है आप अपीयर हो गया यहाँ पर, और उसको आप कहीं पर भी ले जा करके रख सकते हैं जो सेक्शन आपको एडिट करना है। फिर से हमने प्रेस किया इसको, और इसको हम जिस एरिया में भी ले जाना चाहते हैं वहां ले जा सकते हैं इजीली। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर एप्पल ने ऐड किया है वो है स्क्रीन टाइम का। आप अपनी फ़ोन को कितने देर तक स्क्रीन पर देखते हैं, कितने देर यूज़ करते हैं, उसका पूरा डाटा जो है यहाँ से देख सकते हैं। उसके लिए हमें पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हमें जो है स्क्रीन टाइम पर इस पर क्लिक करना है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अपने फ़ोन को जो है वो 2 घंटे 33 मिनट जो है इस्तेमाल करता हूँ, जो कि 1 घंटा 29 मिनट एवरेज टाइम से ज़्यादा है। इसमें आप किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए 54 मिनट, सोशल नेटवर्किंग के लिए 48 मिनट, और क्रिएटिविटी जो है वो 5 मिनट्स। नीचे जो दिया है ऑप्शन डाउन टाइम, डाउन टाइम मतलब अगर आप डाउन टाइम सेट कर देते हैं यहाँ पर, इसको सपोज हम सेट करते हैं, तो यहाँ पर हमें स्टार्ट एंड एंड टाइम डालना पड़ेगा। उस टाइम पर आपका आईफोन जो है अगर कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई मैसेज आता है, कोई फ़ोन आता है, तो उसको वो साइलेंट कर देगा। उस ड्यूरेशन में, उस टाइम पीरियड में वो जो है कोई भी मैसेज आपको रिसीव नहीं होगा। इसके बाद जो है ऐप लिमिट, आप किस किस ऐप की जो है लिमिट यहाँ पर दे सकते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशंस जो है डाउन टाइम में भी आपको शो करेंगे। तो दोस्तों, ये थे 3 सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो एप्पल ने अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम में किए हैं और जो मेरे हिसाब से काफ़ी यूज़फुल हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।